हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 2 मीटर कपड़े से पेटीकोट की कटिंग करने वाली हूँ, जिसकी लंबाई होगी 34 इंच और कमर है 36 इंच। सबसे पहले ये 2 मीटर का कपड़ा ओपन कर लूँगी, उसके बाद एक साइड से फोल्ड कर लूँगी इस तरह। उसके बाद मैं 5 इंच एक साइड से मार्क कर लूँगी और दूसरे साइड भी 5 इंच। ये हमारे पेटीकोट की पट्टी होंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए, इस तरीक़ा से मैंने इस कपड़े को कट करके अलग कर लिया है। उसके बाद इस बचे हुए कपड़े को मैं 2 बार फोल्ड करूँगी। मैं बचे हुए कपड़े से एक बार इस तरीक़ा से फोल्ड करूँगी और एक बार ऐसे। देखिए, मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है इस तरह। जैसे ये 2 मीटर का कपड़ा है, ये 2 मीटर का कपड़ा है, इसको मैंने एक बार ऐसे किया और फिर एक बार ऐसे। इसके बाद मैं इस कॉलर में 5 इंच में एक निशान लगाऊंगी और इस साइड भी 5 इंच में। उसके बाद इधर से ऐसे और इधर से ऐसे करके बीच में फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये 6 कली का पेटीकोट है, जिसकी कटिंग। उसके बाद मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी और निशान लगा लूँगी पूरे में इस तरह से, और मैं इस कटिंग इस निशान पे ही कटिंग कर लूँगी। पूरे निशान में हमें कटिंग कर लेना है। और ये जॉइंट को बीच से कट करके ओपन करना है इस तरीके से। ये हमारे 2 कली हैं और ये हैं इसमें 4 कली। ये पूरी पेटीकोट 6 कली की है। उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ के इधर से जो बचे हुए कपड़े हैं जैसे गोलाई में कट करूँगी। इसमें भी फुल घेर वाला ये पेटीकोट बनने वाला है। ये जॉइंट को भी अलग कर लेंगे। इसे भी बीच से फोल्ड करके पूरे बराबर जो बचे हुए ये हैं ये वाला
इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जिससे हमारे पेटीकोट बिल्कुल गोल बनेंगे। देखिए इस तरीका से मैंने 6 कली वाला पेटीकोट की कटिंग की है और वो ऊपर पट्टी है। सिलने के बाद इसकी लंबाई 34 इंच होगी और इसकी कमर है 36 इंच। तो आज की पेटीकोट की कटिंग समाप्त हुई। बताइए कि हमारी कटिंग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।